दिल्ली दिलवालों का शहर है, लेकिन वही दिल्ली में जब दंगा हो जाते हैं तो आम इंसान मरते हैं। इसमें ना तो हिंदू मरा है ना तो मुसलमान, इंसानियत मरे हैं। हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने की जो कोशिश हो रहा है, कौन कर रहे ये कोशिश? और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये लोग बताएंगे। क्योंकि आम इंसान मरे हैं तो आम इंसानों को बहुत अच्छे से पता है क्या ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं चाहते, देश में शांति होना चाहिए, लेकिन लोगों का क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है कि हिंदू मुसलमानों को बसा रहे हैं और मुसलमान हिंदू को बसा रहे हैं, लेकिन एक हिंदू मुसलमान को क्या लड़ाने की कोशिश हो रहा है, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है कि आपस में मिल भी रहे हैं। देखिए मैम, जहाँ तक मैंने अभी तक जितना इस चीज़ को देखा और अपनी उम्र के हिसाब से, तो मैम यही कहूँगा कि इसमें राजनीति होती है। कोई गरीब आदमी या मतलब हिंदू या मुसलमान कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं चाहते कि हम आपसी में लड़ाई करें, क्योंकि बहुत पहले होता था। आजकल लोग थोड़ी एजुकेशन बढ़ा है, सिस्टम बढ़ा है, तो लोग समझते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। मैम अभी इलेक्शन में अभी देख लीजिए, दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, राजनीति कहाँ तक गिर गई। केजरीवाल सर ने मतलब जो भी है कि एजुकेशन और शिक्षा स्वास्थ्य इन पर अब राजनीति पहुँच गई। पहले क्या होता रिलीजन पर राजनीति होती थी। मैम मैं यही कहूँगा कि दंगे फसाद जो हुए मैम वो बहुत गलत हुए हैं, चाहे उसमें हिंदू मरे चाहे मुसलमान हैं, तो वो हमारे देश के नागरिक। तो मैम उनसे मैं यही मैसेज दूंगा कि आप प्यार भाईचारा बनाए रखें, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। राजनेता है तो राजनीति करके चले जाएंगे, आपको गली में एक साथ रहना है। क्योंकि मैम जब हम रहते हैं, क्या बात कह रहे हैं सर आप, राजनेता राजनीति करके चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को तो एक साथ ही रहना है। जी मैम बिल्कुल, क्योंकि मैम हम अगर मान लीजिए हम रहते हैं, हमारे बगल में एक मुसलमान भाई रहता है, तो अगर कोई रात को परेशानी हमारे साथ होगी तो मैम वो नहीं आएंगे, वही शख्स हमारी हेल्प करने आएगा, या उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ही जाएंगे। मैम बाहर का इंडिविजुअल कोई नहीं आता, हमारे कोई उसकी मदद करनी हो और हमको, तो मैं यही कहूँगा कि अपना भाईचारा बनाए रखें। गलत मैसेज जो आजकल फॉरवर्ड होते हैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, अपना दिमाग भी लगाएं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इधर उधर के मैसेज आते हैं जिससे लोग दंगा करते हैं। मैम बस इतना। ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देश में जिस तरीके से माहौल है, खास करके हमारी दिल्ली में जिस तरीके के माहौल हुआ है, क्या कहने? इसमें सिर्फ इंसान मरा है और वो भी गरीब। इसमें बस मुझे इतना ही कहना है कि आपस में भाई बंदी जैसे पहले रह रही थी, जहाँ पर मौजपुर हुआ, ये आपका शिव विहार हुआ, यहाँ पर ऐसे एरिया थे जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों ही रहते थे, पर वहाँ मोमडनों की ज़्यादा संख्या थी, पर हिंदू के साथ भी भाईचारे का वो था। बस ये जैसे बड़े भाई ने कहा कि सिर्फ एक राजनेता के ऊपर ही वहाँ पर भड़काऊ भाषण हुए एक दो जगह, अगर वो नहीं होते थे। और मुझे तो ये लग रहा है जो आपस में आस पड़ोसी वाले हैं वो तो लड़े ही नहीं, जो आए आई थिंक कोई बाहर का हुआ या किसी को जैसे होता है ना कि मतलब बुला लिया जाता है, सिर्फ वो दंगे आपसदारी में तो हुए ही नहीं कि आस पड़ोस वाले ने करें, सिर्फ वो दंगे सिर्फ ऐसे ही हुए हैं जो बाहर से बुलवा के करवाए गए। इसलिए दोनों आपस में मिलके रहें ना लड़े। अब इसमें बेचारे जवान जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों को सिख जाके बसा रहे, आपने देखा होगा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, हिंदू को मुसलमान बसाते हैं, मुसलमान की मस्जिद को हिंदू जाके बसा रहे, लोग तो लड़ना नहीं चाहते। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि जो आपस में जैसे कि हम भी वही एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर जैसे हमारे बगल में भी आस पड़ोस में मुसलमान थे, हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना हुआ ही नहीं कि जैसे हम दोनों ही आपस में लड़ जाएं, वहाँ पर दोनों पे सपोर्ट था। मतलब हमारे बगल में भी मोमडन रहते हैं, हम उनके यहाँ खाते पीते हैं, वो हमारे यहाँ खाते पीते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि इस पे ज़्यादा भड़के ना, जो कानून आएगा वो आएगा ही, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लड़े ना, मिल के रहे। सर हम आपसे भी जानेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे सर, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? यही है, शांति होनी चाहिए, और क्या है, बहुत हो चुका है। अब सर आम इंसान ही मरते हैं, इसमें आम इंसान ही मरे हैं सर, लेकिन मरे क्या है, ये तो बाहर से लोग बुलाए गए हैं इसलिए ये हो रहा है, आस पड़ोस का तो कोई आपस का लड़ते ही नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, अब शांति होनी चाहिए, किसी भी तरह शांति होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से दंगा हो रहा है, मेरी साइड भी चल रहा है, दंगा ही चल रहा है मैडम, मेरी साइड। आप उधर की साइड से हैं, तो आपने पूरा फेस किया होगा। बिल्कुल मैम। कैसा उस तरफ जिस तरीके के माहौल हुआ है, लेकिन बोला गया कि हिंदू मुसलमान आपस में एक संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम शांति है, लेकिन मैम जो बाहर से बुलाए गए हैं और जो बाहर से बुलाए गए वही उधर भी वही आतंक मचा रहे हैं सारे बाहर के लोग, बाहर से हमारी साइड के मोमडन शांति चाहते हैं, शांति हिंदू मुस्लिम शांति हमारी सहमति है कि कोई दंगा ना होनी चाहिए। कौन सी जगह से है? ये नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी से है, वहाँ पर तो बहुत हो रहा है जी मैम, शांति बैठे हमारे साथ, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन डेली बैठते हैं, दंगा कुछ नहीं हो रहा, हमने कहा कोई पहल नहीं करेगा, हमारे हिसाब से ये हो रहा था।
से सब शांति चाहते हैं, आम इंसान चैन और अमन चाहते हैं। सर हम आपसे भी जानेंगे क्या चाहते हैं सर। मैं तो यहीं कनॉट प्लेस में रहता हूँ, तो अब हमारे इधर तो कोई दंगा हो नहीं रहा है। इधर इधर तो नहीं हो रहा है, बेशक आपके इधर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, चांदबाग हो गया, सिंहार हो गया, वो पूरा एरिया में जिस तरीके से दंगा, आम इंसान मर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या आम इंसान चाहते हैं ऐसा कुछ हो? मैडम आम इंसान नहीं मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं। हिंदू मर रहे हैं? हाँ जी, हिंदू मर रहे हैं, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मैं भी एक आम इंसान हूँ और इसमें इस सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर। और जितने भी, और जहाँ हिंदू कम है, जहाँ हिंदू कम है वहाँ हिंदुओं के साथ उनको मारा जा रहा है, और जहाँ मुसलमान कम है वहाँ हिंदू लोग उनको बचा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान नहीं मर रहे, लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है तो हिंदू मुसलमान दोनों ही मर रहे हैं। क्या इंसान की इंसानियत को मारा जा रहा है इसमें? हिंदू ना तो मुसलमान की चश्मा पहन के मत देखिए सर। मैंने कोई चश्मा नहीं पहन रखा, मैं जो ये जो बैठे ना ऑटो लोकल वाले पब्लिक के लोग, मैं इन्हीं की सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये बताते हैं, हम बात करते हैं आपस में, भाई ऐसा हो रहा है, न्यूज़ मीडिया में भी आ रहा है, न्यूज़ मीडिया कुछ अलग बात बताती है, पर आम आदमी जो बता रहा है हम तो वो सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं। और दंगे वहाँ नहीं हो रहे हैं जहाँ हिंदू ज़्यादा है, वहाँ दंगे नहीं है, वहाँ बड़ी शांति है। और वो लोग हिंदुओं को, और वहाँ के जो मुसलमान लोग हैं ना, आप उनसे जाके पूछो, वो भी कहेंगे कि भैया हमारे को तो ये लोग बचा रहे हैं, पर कोई हिंदू ये कह दे कि हमारे को मुसलमान ने बचाया नहीं। बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुसलमान लोग हिंदुओं को बचाए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसने दंगा कर रहे थे, हिंदुओं ने बचाया ना। अब यही तो हिंदुओं ने भी बचाया, मुसलमान ने भी बचाया, और उसके बाद तो सिखों ने भी बचाया है। नहीं सिखों, मैडम वो मैडम देखिए सिख एक अलग है, वो भी हमारे अपने लोग हैं, हम भी मुसलमानों को अपना ही मानते हैं, हम भी मुसलमानों को अपना ही मानते आ रहे हैं, पर क्या ये हमें मानते हैं? बात ये नहीं है कि इंसान क्या आज इंसानियत का ठेका, कैसे इंसानियत का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है, सिखों ने ले रखा है, किसी और धर्म ने नहीं ले रखा। अगर आप बात कर रहे हैं इंसानियत का ठेका, चलो जी हम तो इंसानियत निभा रहे हैं, हम सब हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करता ही है। अच्छा सर अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे इंसान के खाते, क्योंकि वहाँ पर जो मरा है लोग गलत हो रहा है, जिसके साथ भी जो मरा है वो गलत ही हुआ है, ठीक है ना, आम इंसान ही मरे। हाँ जी आम इंसान ही मरे, पर ये चीज़ें जो हैं ये तो ज़्यादातर मुसलमानों को समझनी पड़ेगी, क्या हिंदू ऐसा कर रहे हैं आपके साथ में, ये चीज़ उनको भी समझनी पड़ेगी। इंसानियत का ठेका सिर्फ हिंदू या सिखों ने नहीं ले रखा, दूसरों को भी लेना पड़ेगा। दूसरों को कहने का मतलब है अमन और शैन आप भी चाहते हैं। बिल्कुल अमन और शैन आप भी चाहते हैं। हम आपसे भी जानेंगे सर, जिस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ है अब तो आपको पता ही है सब कुछ आप, लेकिन मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आम इंसान ही मरे हैं इसमें, सिर्फ आम इंसानों का घर उजड़ गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उनका जिंदगी खत्म हो चुका है सब। क्या कहेंगे सर, क्या आम इंसान चाहते हैं? शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को बचा रहे हैं, मुसलमान हिंदू को बचा रहे हैं, क्या आपस में ये लोग लड़ना चाहते हैं सर? नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ना चाहते। तो आपका क्या मैसेज है सर, क्या मैसेज देना चाहते? शांति बनाए और शांति बना के रखें, ठीक है इनका कहना। हाँ आप बताइए। मैम देखिए अभी जो हमारा देश डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक, मैम मैं यही कहूँगा लोकतांत्रिक देश में हम ये दंगे फसाद ये एक तरह से लोकतांत्रिक की हत्या का रूप देखते हैं। मैम आप हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, लोगों को अपनी बात कहने का हक है, आप कहिए बात कहने के लिए, लेकिन शांति से उसको आप बात करने के लिए संविधान में रामलीला ग्राउंड है, जंतर मंतर वहाँ बैठ के अगर संविधान में आप अगर मानते कोई भी गवर्नमेंट फैसला लाती है तो हो सकता है आप पक्ष में हो या विपक्ष में, वो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि दो ही चीज़ है। अगर आप विपक्ष में हो तो आप शांति तरीके से उसको बात रखे, बात करे जाके, ऐसे दंगा करने से तो मैम कोई हल नहीं निकलेगा, वैसे भी देश की इकोनॉमिक डूबी पड़ी है वहाँ पे मैम, आप गरीब लोगों का वही कह रहा हूँ ना मैं, वहाँ के आप गरीब लोग जो ठेला मजदूर चलाते बस गाड़ी वाड़ी चलाते मैम, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की गाड़ी जला दी, दुकानें लूट ली, इसका मैम कौन घर जाने देगा, गवर्नमेंट तो उनको कुछ नहीं देगी। वो तो अभी देखें उन्होंने बोला है, अभी देखते कितने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जिन्होंने मैम इंश्योरेंस वगैरह करा रखे उन्हें मिल जाएगा, नहीं करा रखे मैम कितना नुकसान हुआ, और माँ का आग मैम हाल जाके देखना, नागरिक भी तो मारा गया ना, आम इंसान ही मरे हैं सर, आम इंसान मरा है वहाँ पे, जो रास चलते हुए आदमी को मारा, कोई मेडिसिन लेने जा रहे थे, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, किसी की शादी के शादी हुई है, 11 दिन हुए है, बुजुर्ग जा रहा है उसको भी मार रहे हैं, मैंने देखा हूँ टीवी पे, तो लोग अब शांति चाहते हैं, ये शांति चाहिए, उसमें जो भी दोषी हो चाहे किसी भी पार्टी को उसको बख्शा ना जाए, बस सीधी सी बात है।
कोई भी पार्टी का, और मैं नहीं, इसका जो उकसाने वाला है कपिल मिश्रा है, दोनों हैं मेन वहाँ के, सबसे गुनाहगार तो कपिल मिश्रा है। उस दिन क्यों लेकर लाठी डंडे सरिये लेकर पहुंच गया उठाया, जिसमें दंगा में जितना भी लोग मरे हैं, कोई नेताओं के परिवार से नहीं मरे ना, नेताओं की कुछ, सिर्फ आम इंसान ही मरते, आम मजदूर, आम जो जिसने बहुत मेहनत से घर बनाया, पूरा जिंदगी का पूंजी लगा दिया है, उनका घर उजड़ गया। बहुत बर्बाद हुआ मैडम, बहुत बर्बाद हुआ है। पुराने टाइम से मैम हिस्ट्री खोल के देखोगे मैम, नेता हो या पॉलिटिशियन का कोई भी नहीं मरता, हम ना आज तक मरा है ना आगे कभी मरेगा, क्योंकि मैम आम इसमें हमेशा आम इंसान ही मरता है। इसलिए मैम इतना ही कहूँगा कि आप तो थोड़ा आप 21st century में हो, अब ये इतने पुराने टाइम में मैम ये दंगे होते थे रिलीजन पे, अब तो कम से कम इससे ऊपर उठ के आना चाहिए, लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं, अगर अभी भी आप यहीं उलझोगे तो विकास देश कैसे करेगा मैम? विकास देश कैसे होगा? यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम आप लोगों से भी जानेंगे। मैडम आप लोगों का क्या राय है, क्या कहेंगे, क्या मैम आप कुछ कहेंगे? सर हम आप लोगों से भी जानेंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो इंसान मरे हैं आम इंसान ही मरे हैं। शांति से रहिए, शांति अपील कीजिए, शांति से रहना चाहिए, शांति से रहिए, शांति चाहिए। शांति तो रहनी चाहिए, कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी वजह से दंगे हो रहे हैं। हाँ वो विषय जैसे नेताओं ने दिए, जो अभी तुम्हारे बारिश पठान जैसे नेताओं की वजह से दंगा हुआ है, ये जो भड़ लोग भड़काते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं, जो रियल हिंदू मुसलमान है, जो इंडियन जो भारतीय है, वो दंगा नहीं चाहते, लेकिन जो घुसपैठी है ना वो सब उनके है। सर आपने इतना अच्छी बात कह रहे हैं कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं चाहता, जो रियल इंडियन है वो कोई दंगा नहीं चाहता, जो हिंदू है मुसलमान सिक्के से कोई भी है, लेकिन जो घुसपैठी है ना बाहर से आए में, ये उत्पात वो लोग मचा रहे हैं। बाहर से आए वो चाह रहा है कि इंडिया में कुछ शांति हो, कुछ नेताओं पर अगर कंट्रोल हो जाए ना, 10-5 नेताओं पर ये एक दिया कोई दंगा नहीं होगा। एक्चुअली ये मुद्दा था ट्रम्प आने के मुद्दे पर, ट्रम्प जो है दिखाएगा कि इंडिया में शांति है, तो देश के गृहमंत्री ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि ये तुम्हारी नागरिकता नहीं जा रही है, फिर तुम किस लिए बैठे हो, किसका विरोध कर रहे हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किसका विरोध कर रहे हो, लेकिन बस बैठे कुछ पार्टियां भी विपक्षी पार्टियां उन बेमतलब भड़का रही हैं। 11 को पास हुआ ये, 11 को पास हुआ, 14 तारीख को कांग्रेस की रैली थी, उन्हें भड़का दिया पूरा। मैं ये मुद्दा एक ये हटा के रखिए अभी, बस हम यही जानने के लिए आए हैं कि ये मुद्दा जुड़ा हुआ उससे मैडम। मैं यही कहना चाहती हूँ सर, अभी तो देखिए जिसका घर उजड़ जाते हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पेट की रोटी चाहते हैं। आग लगा रहे 15 पर 100 करोड़ वाले बता रहे, उनसे पूछो जाके ना, जो लोग मरे उनके को गया उनके। कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया है, बहुत अलग तरीके के बयान नहीं दिया है, लेकिन असली जो वहाँ बहन जो असला इकट्ठा कर रखा है उनसे पूछो ना। अभी हम इसमें बात नहीं करेंगे, बस हम यही चाहते हैं कि क्या अपील करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो रियल है वो सब शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ घुसपैठिए लोग हैं वो उत्पात मचा रहे हैं, उनको चैन नहीं है। अभी आप क्या बोलना चाहते हैं? बस ये कि शांति रहनी चाहिए, गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ ठीक है, हम आपसे भी जानेंगे सर क्या मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली में जिस तरीके की दंगा फसाद हुआ है तो क्या कहेंगे सर, जिसमें आम इंसान ही मरे हैं। देखो जी, जब ऐसे दंगे होते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, हम तो यही चाहते हैं जैसे हम पहले रह रहे थे भाईचारे से, हम सारे भाई भाई हैं तो शांतिपूर्वक रहें, इसी में ही देश की भलाई है और हमारी भी भलाई है, सुख चैन होना चाहिए तभी हमारे देश में तरक्की होगी। सुख चैन होना चाहिए तभी देश में तरक्की होगी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ सर जी, हम तो चाहते हैं भाई एकता होनी चाहिए हमेशा, और किसी बुराई में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई कैसे बोल रहा हो, अपना खाओ कमाओ बच्चों पालो, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखता। झगड़ा नहीं चाहते, इनका कहना है कि झगड़ा कोई नहीं चाहते। हम सर से भी जानेंगे, सर दिल्ली की दिल्ली में जो दंगा हुआ है उसमें आपका क्या राय है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सब मिलजुल के रहना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ, मिलजुल के रहना चाहिए। आपस में जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, हिंदू मुसलमान जिस तरीके से बोला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान क्या ऐसा, जिस तरीके तस्वीर आ रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बचा रहे हैं, मुसलमानों को हिंदू भी बचा रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल आपसी भाईचारा, ये जो जितना भी राइड्स हुआ है इसमें ज़्यादा लोग बाहर के ही बता रहे हैं, यहाँ के लोकल जो थे वो उतने नहीं हैं, ये बाहर से आए थे जिन्होंने दंगा किया है, ये पहचान में भी नहीं आ रहे, अपना मुंह ढक के और हेलमेट लगा के किसी की पहचान देना आए। बाकी अब जो हुआ सो हुआ, इसको मिलजुल के अपना भाईचारे से रहें।
यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि महिलाओं की क्या राय है। सर मैडम आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जनता के लिए? कोई बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम देखते हैं, हम देखिए हम अभी बस स्टैंड पे है, क्योंकि बस स्टैंड पे हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ये भी आम इंसान ही है। आम इंसान बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आम इंसानों की दर्द। आप कुछ बोलेंगे मैडम? अच्छा आप कुछ बोलेंगे मैडम? नहीं बोलेंगे, ठीक है नहीं बोलेंगे, लेकिन हम देखते हैं कोशिश करते हैं। आप कुछ बोलेंगे सर? जिस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ है उसके बाद हिंदू मुसलमान इस तरीके की माहौल हो रहा है, क्या आम इंसान चाहते हैं? नहीं, कोई भी आम इंसान नहीं चाहता कि ये हो, सबको प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, और ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स का ही काम लग रहा है मेरे को तो। पॉलिटिक्स का ही लग रहा है, तो मरा तो आम इंसान है ना सर? मरा आम इंसान है, ये पॉलिटिक्स कट्टर हिंदू कट्टर मुस्लिम की गलती है ये तो। ऐसा होना चाहिए, क्या अपील क्या करना, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों को, ये जो भी कर रहे हो ये ना करो, और इसकी वजह से भारत की राजनीति को भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं देना चाहते, ठीक है सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, हमने लोगों से बातचीत की है, जो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो दंगा हुआ है वहाँ पर तमाम लोग जो मरे हैं, जिसका घर उजड़ गया है, बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल ख़त्म हो चुका है, जल चुका है बिल्कुल, आम इंसान कहीं ना कहीं मर रहे हैं, गाड़ी की गाड़ी जला दिया गया है, घर उजड़ गया है, किसी का दुनिया ही उजड़ गया है, हस्बैंड चले गए हैं, किसी का पापा चले गए, किसी का पिता चले गए हैं, किसी का हर एक इंसान चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत है। वो जो इंसान है सिर्फ इंसानों की मौत हुआ है ना, तो हिंदू की आँखों से भी आंसू निकले हैं, मुसलमानों की आँखों से भी आंसू निकले हैं, हिंदू का भी लहू बहा है, मुसलमानों का भी लहू बहा है। आम इंसानों की क्या राय है हम आप तक पहुंचाए हैं। कोई नहीं चाहते कि दंगा हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपस में लड़े, लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बने रहे और देश आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये सारी बातों को भुला के, हिंदू मुसलमान ना हो के, हिंदू मुसलमानों का चश्मा ना पहन के सिर्फ अमन और शांति रखे और देश को आगे बढ़ाते हुए लेके जाए। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।